إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على تحية والإكرام على النبي الأمي المدني المكي الحاشمي الخرشي الأبتهي مولانا ومولو السقلين إمامنا وإمام القبلتين جَدّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ بِالزَّهْرَاءِ بالقاسم مُصْطَفَى مُحَمَّدْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلي, محمد وعلى محمد وعجل فرجهم आगाज कलाम में तमाम तारीफ व तौसीफ़ तमाम हमदो सत उस आलम के लिए है कि जो बादशाह हक़ मुबीन है वो परवरदिगार आलम कि जिसने ख़ुद को छुपा हुआ ख़जाना से तशबी दी कि मैं एक छुपा हुआ ख़ज़ाना था इन्नी कन कंजल मकफिया और जब मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने मोहम्मद को खलक़ कर दिया हमारा दरुदो सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर माह मुहर्रम जारी सारी है और ये माह एक ऐसा माह है एक ऐसा महीना है कि जिसमें इसी मोहम्मद का पूरा घर उजड़ गया कि जिसकी शनाख्त खुदा ख़ुद से करा रहा है कि जब मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने मोहम्मद को खल्क़ कर दिया रसूल को अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा रसूल अल्लाह आए अल्लाह के पैगाम को पहचानवाया अल्लाह को पहचानवाया कुरान मजीद जैसा तोहफा मुसलमानों के हवाले किया लेकिन इसके बावजूद भी रसूल अल्लाह ने सबसे अहम पैगाम जो मुसलमानों को दिए मुसलमानों ने उसी को फरामोश कर दिया रसूल ज़िंदगी भर कहते रहे कि अली मुझसे है मैं अली से हूँ उससैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ फ़ातिमा मुझसे है मैं फ़ातिमा से हूँ जिसने फ़ातिमा को अजियत दी उसने मुझे अजियत दी लोगों ने नमाज़ क़ुरान हज ज़क़़़़़त तो याद रखा लेकिन उस आयत की तफसीर भूल गए कि जिसमें परवरदिगार आलम फरमाता है कि अल्लामदता फ़िलकरबा कि मेरे कराबत दारों से मबदत करो ए रसूल ए हबीब इनसे आप ये तकाज़ा करिए अपनी तबलीग की उजरत का आप ये अजर मांगिए तो वो चीज़ जो रसूल अल्लाह ने ख़ुद मांगी हो खुद कही हो कि जिसका पैगाम अल्लाह ने पहुंचाया हो उसको ही लोगों ने इतनी आसानी से फरामोश कर दिया अज़ान मोहतरम वो लोग कि जो रसूल के बारे में भी सही बातें नहीं करते हैं और अपनी जहालत से रसूल को भी न जाने किस मकाम पर पहुँचा पहुंचा देते हैं तो फिर ऐसे लोगों से क्या उम्मीदें की जा सकती हैं कि वो नवासे रसूल के हक़ में कुछ अच्छी बातें बोलें नवास रसूल के हक में कोई सही बात बोलें या उनके गम में शरीक हों ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता मिसाल के तौर पर आज के ही जमाने में देखें कितने ऐसे लोग हैं जो रसूल को मानते ज़रूर हैं मगर क्या कहते हैं कि रसूल तो एक आम बशर थे एक आम इंसान थे बहुत से लोग कहते हैं कि रसूल अल्लाह को लिखना और पढ़ना नहीं आता था रसूल अल्लाह पढ़ना ही नहीं जानते थे रसूल अल्लाह लिखना ही नहीं जानते थे इस तरह की और भी बहुत सारी बातें जो लोग रसूल अल्लाह के बारे में करें तो फिर ऐसे अफराद से कोई क्या एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो नवाशे कि वो नवासए रसूल के बारे में कोई पॉजिटिव बात करने लग जाए जैसे कि अल्लाह के बारे में यही बात आप देखें कि रसूल अल्लाह हर वक्त रसूल नहीं रहते थे रसूल अल्लाह कुछ टाइम तो रसूल रहते थे और कुछ टाइम वो एक आम बशर एक आम इंसान रहते थे और आम बशर और आम इंसान वो कब रहते थे ये भी उन्होंने बताया अपनी किताबों में जब भी वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं तो वो आम इंसान रहते थे और जब भी वो सिर्फ़ क़ुरान की आयत शरीयत की बातें अहकाम अल्लाह की बात कर रहे हैं तब वो सिर्फ रसूल हैं, उसके अलावा वो सिर्फ एक आम बशर हैं। तो इससे मुराद क्या है कि जब रसूल शरीयत और दीन के अलावा कोई बात करें तब वो आम बशर थे इससे मुराद यही है कि जब भी रसूल ने बैत के को बयान किया, उनके फजाइल लोगों को बताए तो उस चीज को यहाँ पर कुरान आवाज दे रहा है कि मेरा मोहम्मद कुछ नहीं है अल्लाह रसूल मेरा मोहम्मद सिवाय रसूल के कुछ नहीं है और दूसरी तरफ वो आयत कि जिसको मैंने अपना सरनामा कलाम बनाया उसमें खुद आलम रहा है, कि मेरा नबी तो कलाम ही नहीं करता मेरा नबी तो अपने लबों को जुम्बिश भी नहीं देता जब तक कि उस पर वही इलाही ना हो जाए यानी अब अगर, अगर अल्लाह का रसूल उठ रहा है तो भी वो नबी हुआ ना अगर वो अपने मुंह से कोई भी जुमला अदा कर रहा है तो भी वो खुदा की मर्जी से कर रहा है क्योंकि अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर जाहिर है कि आप कुरान मजीद की आयत को झुटला रहे हैं और दो इतनी बड़ी आयत के एक में अल्लाह कह रहा है कि रसूल हर वक्त रसूल हैं मोहम्मद हर वक्त रसूल हैं और दूसरी आयत के खुदा कह रहा है कि मेरा रसूल कलाम ही नहीं करता लबों को जुम्बिश ही नहीं देता जब तक कि उस पर वही ना हो जाए तो इससे यही बात सामने निकल कर आ रही है कि अब अगर रसूल अल्लाह ये फरमा रहे हैं कि मन मनकुंतो मौला फहाज़ा अली मौला अपनी मर्जी से नहीं फरमा रहे हैं अगर रसूल ये फरमा रहे हैं हुसैनो मिन्नी व अना हुसैन अपनी मर्जी से नहीं फरमा रहे हैं अगर रसूल ये फरमा रहे हैं, अल फातिमा तो बिजातो मिन्नी अपनी मर्जी से नहीं फरमा रहे हैं बल्कि खुदा उनको हुक्म दे रहा है खुदा कह रहा है कि मेरे हबीब इनको बताइए इनको दिखाइए क्योंकि ये अलग बात है कि अल्लाह ने इस्लाम को पूरी दुनिया में पहुंचाया इस्लाम के परचम को पूरी दुनिया में लहराया अल्लाह को पहचानवाया अल्लाह के पैगाम को पूरी दुनिया तक पहुंचाया लेकिन वही इस्लाम वही पैगाम वही नमाज वही क़ुरान जब अपनी आखिरी मंजिल पर थे और जब यूँ कहा जा सकता है कि जब वो डूब रहे थे तब कश्ती नजात बनकर इमाम हुसैन आलाम उठे और इमाम हुसैन आलाम ने अल्लाह का नाम बचाया अल्लाह की किताब बचाई और यही वजह थी जो मैंने इससे पहले वाले मजलिस में भी मेंशन किया था कि जिस वक्त मिंबर पर अल्लाह का रसूल अपने नवासे को पहचानवा रहा था अगर कुदरत को एतराज़ होता तो खुदा वंदे आलम फौरन वहीं पर रोक लगाता कि है मेरे हबीब ये आप क्या ऐलान कर रहे हैं आप मुझे पहचानवाइए ना ये कि आप अपनी बेटी के बेटे को पहचानवा रहे हैं इमाम हुसैन आसमाम कोई किसी आम शख्सियत का नाम नहीं है बल्कि ये हुसैन अब बल्कि ये हुसैन इबन अली वो हैं कि रसूल अल्लाह की गोद में जिन्होंने तरबियत हासिल की है, हुसैन इबन अली वो कि जिन्होंने रसूल अल्लाह की जबान को चूसा आप तसुर करें कि रसूल अल्लाह के जिन्हें कि जिन्होंने खुद को इल्म का शहर कहा है अना मदीनतम मैं इल्म का शहर हूँ और अल्लाह और इमाम हुसैन के दरमियान जो भी मोहब्बत थी जितनी भी मोहब्बत थी वो एक नाना और नवासे वाली नहीं बल्कि एक रसालत और एक इमामत वाली मोहब्बत थी आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें बहुत ही आसान से मिसाल मैं दूंगी इससे पहले मैं इस वाक़े को आपके सामने बयान कर चुकी हूं लेकिन एक छोटा सा ग्लिम्प फिर आपके सामने मैं पेश करूंगी कि जिस वक्त रसूल अल्लाह मस्जिद में खुतबा दे रहे थे और इमाम हुसैन आसम मस्जिद में आकर गिरे तो क्या हुआ था रसूल अल्लाह ने अपने खुतबे को वहीं पर ब्रेक किया और आप उतर कर गए इमाम हुसैन को लेकर आए अब इस बात को आप अपने माइंड में रखिए और दूसरी तरफ ये सोचिए मिसाल के तौर पर मैं हूँ मैं कहीं जाऊँ मजलिस पढ़ने तकरीर करने और मैं अपने साथ एक छोटा सा बच्चा लेकर जाऊँ बच्चा बाहर खेल रहा है और वो गिर जाए तो आप मुझे बताइए कि क्या मुझे ज़रूरत है कि मैं मिंबर से उतरकर या कुर्सी से उतरकर जाऊं जाऊँ अपने बच्चे को उठाऊँ और लेकर आऊं नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है क्यों क्योंकि वहाँ पर जो मजमा बैठा है वो खुद ही आगे बढ़कर उस बच्चे को उठाएगा अगर मैं उठना भी चाहूँगी तो लोग इशारतन मना करेंगे आप बैठे रहें हम उठा कर लाते हैं बच्चे को लेकिन ये मस्जिद नबवी में एक अजब मंजर हमें देखने को मिल रहा है कि इतना मजमा मौजूद है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आकर गिरते हैं मगर उठाने के लिए कौन जा रहा है रसूल अल्लाह जो कि अपने खुतबे में मशगूल थे क्या वहां पर कोई ऐसा नहीं था कि जो रसूल अल्लाह से कहता कि अरे रसूल अल्लाह आप बैठिए हम जाते हैं हुसैन को लेकर आते हैं लेकिन नहीं किसी ने ऐसा नहीं कहा तो क्या हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वालिद से इमाम अली अलैहिस्सलाम से लोगों को इतना बुग्ज था कि लोग आगे नहीं बढ़े कि अरे छोड़ो अली का बेटा है गिर रहा है गिरने दो हम ये भी नहीं कह सकते क्यों क्योंकि उस मस्जिद में अगर हम ये कह दें कि सब के सब अली के दुश्मन थे तो फिर सलमान कहाँ थे मकदाद कहाँ थे अमार कहाँ थे कम्बर कहाँ थे वो सब वो सब कहाँ थे अगर हम ये कहें कि नहीं वो उस वक्त मौजूद नहीं थे तो तारीख़ में कोई ऐसी महफिल कोई ऐसा खुतबे का वक्त बता दें कि जिस के जिस खुतबे में जनाब सलमान न रहे हों जिसमें जनाब अमार और मकदाद न रहे हों तो फिर आखिर ऐसी क्या वजह थी कि रसूल अल्लाह को ही जाना पड़ा मिंबर से उतर कर और किसी आलिम ने क्या खूब कहा है इस बारे में कि कितनी दकीकता फिक्र थी उनकी कि उन्होंने ये कहा कि रसूल अल्लाह का मिंबर से उतर कर जाना और इमाम हुसैन को वापस ख़ुद ही लेकर आना ये इस बात का ऐलान था कि देखो जब एक मासूम गिरने लगता है तो उस मासूम को संभालने के लिए दूसरा मासूम ही आ सकता है या यूं भी कहा जाए कि जब इमामत को ज़रूरत पड़ी तो रसालत आगे बढ़ी और फिर पचास साल के बाद जब यही रसालत डूबने वाली थी तो यही इमामत खड़ी हुई और इसने रसालत को भी बचाया नबूवत को भी बचाया और तोहिद को भी बचाया अज़ान मोहतरम इमाम हुसैन आसम की कुर्बानी कोई मामूली कुर्बानी नहीं है अपने आप में बहुत सारे लेसनस बहुत सारे मैसेजेस रखती है इससे पहले वाली मजलिस में भी मैंने ज़्यादातर इमाम अली सलाम या इमाम हुसैन सलाम के फज़ाइल पर रोशनी डाली और आज भी इस मजलिस में मैंने इमाम हुसैन सलाम के फज़ाइल पर रोशनी डाली और मोस्टली यही होता है कि हम इमाम हुसैन के फज़ाइल पढ़ते हैं उनकी शजात के बारे में पढ़ते हैं लेकिन हमें यह जानना है कि हम जो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इमाम अली अलैहिस्सलाम के जो भी फजायलोक कमालत पढ़ते हैं क्या फकत उनको पढ़ लेना काफ़ी है क्या फकत उनको जान लेना काफ़ी है या उस पर अमल करना भी जरूरी है क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कहते हुए नजर आते हैं हम तो हुसैनी हैं हमारी नजात तो होनी ही होनी है ये तो तय है लेकिन अगर कुरान के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उनका ये जुमला कम्प्लीटली ग़लत है क्यों ग़लत है क्योंकि क़ुरान आवाज़ दे रहा है कि हम जर्रा बराबर बदी का भी तुमसे हिसाब लेंगे और ज़र्रा बराबर नेकी का भी तुमसे हिसाब लेंगे और मासूमी अलैहिस्सलाम ने भी ये गाइडलाइन दे दी कि देखो अगर तुम्हें कभी हमारे किसी कौल में किसी फेल में जरा सा भी शको शुभा हो तो तुम कुरान को सामने रखना अगर कुरान और अगर कुरान और हम एक दूसरे से टकरा ना रहे हो तो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेना लेकिन अगर कुरान और हम एक दूसरे से टकरा रहे हों तो उस चीज़ को रद्द कर देना और ये जुमला कि हम कुछ भी कर लें हैं तो हुसैनी जाएंगे तो जन्नत में ये कम्प्लीटली रॉन्ग जुमला है क्या मासूमिन क़ुर के ख़िलाफ़ हो जाएंगे? क्या वो अल्लाह के ख़िलाफ़ हो जाएंगे नहीं ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता लिहाजा हर साल मुहरम आता है हर साल हम हर साल हम मजलिसों में शिरकत करते हैं फ़जाइल सुनते हैं मसायब पढ़ते हैं फजाइल सुनते हैं खुश होते हैं मसायब सुनते हैं गिरिया करते हैं और उसके बाद सीना जनी और ख़त्म क्या इमाम हुसैन क्या इमाम हुसैन ने फ़कत इसी लिए क़ुरबानी दी कि बस मेरे नाम पर लोग फजाइल पढ़ें मसायब पढ़ें और काम तमाम बस ख़त्म यहाँ से नहीं इसलिए तो कुर्बानी नहीं दी ना एक बहुत छोटी सी मिसाल मैं आपके सामने पेश कर दूँ कि मान लें एक डॉक्टर है और उसके दो पेशेंट हैं फकत एक पेशेंट ऐसा है जो डॉक्टर के बारे में ये जानता है कि डॉक्टर का नाम क्या है डॉक्टर के फादर का नाम क्या है डॉक्टर के फादर के फादर का नाम क्या है उनकी मदर का नाम क्या है मदर की मदर का क्या नाम है वो कहाँ रहते हैं अपनी जिंदगी में उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं उन्होंने अपनी जिंदगी में कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए तमाम तरह की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात वो पेशेंट अपने उस डॉक्टर के बारे में जानता है लेकिन अपने उस डॉक्टर के दिए हुए नुस्खे पर अमल नहीं करता अब वहीं एक दूसरा पेशेंट है वो बस इतना जानता है कि ये एक डॉक्टर है इनका नाम ये है ये यहाँ रहते हैं लेकिन वो अच्छे से अमल कर रहा है अपने डॉक्टर के दिए हुए नुस्खे पर अब आप मुझे खुद इंसाफ से बताएं कि अक्लमंद पेशेंट कौन हुआ या फायदे में रहने वाला पेशेंट कौन है जाहिर सी बात है कि जो डॉक्टर दिए हुए नुस्खे पर अमल करेगा सिमिलरली हमारे लिए अहिल एक डॉक्टर की तरह है वो हमारे रूहानी डॉक्टर है रूहानी तबीब है वो हमारे इमाम हुसैन आलाम की कुर्बानी ऐसे ही नहीं थी बल्कि हम इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा मैसेज है इसमें हमारे समझने के ऊपर है कि हम कितना ज़्यादा उस चीज़ को समझ के अपनी जिंदगी में फॉलो करते हैं इन अगली मजलिस में मैं उन तमाम लेसन्स के बारे में जिक्र करूँगी कि जो हमें करबला से मिलते हैं और उन लेसन्स को जानना एंड स्पेशली उसको अपनी ज़िंदगी में उतारना उनको फॉलो करना हम सब के लिए कितना ज़रूरी है क्योंकि फ़कत फ़ज़ा मसाइब से हम इमाम के अच्छे चाहने वाले कभी नहीं कहला सकते अज़ादारों आज मुहर्रम की चार तारीख़ है और आज की तारीख वो है कि जो अमूमा तिफलाने मुस्लिम से मखसूस है ये बच्चे वो बच्चे हैं कि जो करबला वालों के साथ तो नहीं थे लेकिन तारीख और रवायात में मिलता है कि ये बच्चे करबला वालों के साथ महसूर होंगे ये बच्चे अपने ही बाबा की तरह उस शहर में अजनबी थे ना रास्ते जानते थे ना लोगों को जानते थे और इसी तरह दर बदर भटकते हुए एक घर में पहुंचे जहां पर एक औरत थी कि जो नेक थी जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाली थी उसने उन दोनों बच्चों को अपने घर में पनाह दे दी मगर वो नहीं जानती थी कि उसका शौहर इतना जालिम ाल जाबिर है कि वो उन बच्चों का जीना हराम कर देगा गरज़ की उस औरत ने उन दोनों बच्चों को बड़े प्यार से अपने घर में रखा उन्हें खाना खिलाया और रात के वक्त एक हजरे में उनको आराम करने के लिए भेज दिया अब उसी रात जब उसका शौहर आया उसके शौहर का नाम हारिस था और उसने खाना खाने के बाद जब वो अपने हजरे में गया तो उसने छोटे छोटे बच्चों की सांसों की आवाज़ और उनकी धीरे धीरे गुफ्तु की आवाज़ महसूस की जिससे उसे लगा कि हुजरे में कोई और भी मौजूद है ये सुनना था कि हारिस उठा और दूसरे हुजरे में गया और उसने क्या देखा कि दो छोटे छोटे बच्चे हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं ये देखना था कि हारिस बहुत ज़्यादा खुश हो गया और कहने लगा कि जिनको मैं पूरे शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ वो तो मेरे ही घर में मौजूद हैं ये देखना था कि हारिस ने उन दोनों बच्चों की जुल्फ़ों को पकड़ा और दोनों को घसीटते हुए बाहर ले जाने लगा हारिस की जौजा आगे बढ़ी और हाथों को जोड़कर कहने लगी अः हारिस रहम करो ये अहल बैत के घर आने के बच्चे हैं ये मुस्लिम के यतीम हैं हारिस इन बच्चों को छोड़ दो चाहे तुम मेरी जान ले लो मगर रज़ादारो तारीख़ बताती है कि हारिस ने अपनी तलवार से ऐसा वार किया है कि उसकी जोज़ा के हाथ कट के गिर गए इसके बाद हारिस उन दोनों बच्चों को नहर फ़ुरात पर लेकर गया और दोनों बच्चों से कहने लगा कि अगर कोई तुम्हें आखिरी ख्वाहिश है तो बयान करो उन बच्चों ने कहा कि हारिस हम बस इतना चाहते हैं कि हमें नमाज़ पढ़ने का मौका दे दे दोनों भाइयों ने उस दरिया पर वज़ू किया और नमाज़ पढ़नी शुरू की अभी जैसे ही दोनों ने नमाज़ ख़त्म की थी कि हारिस आगे बढ़ा छोटे भाई के सर को पकड़ा और अपनी तलवार से कलम कर दिया बड़ा भाई छोटे भाई को देखता रहा और उसके जिस्म को दरिया में फेंक दिया लेकिन तारीख में मिलता है कि उस भाई का जिस्म दरिया की पानी की सतह पर रुका रहा गोया जैसे कि अपने दूसरे भाई का इंतजार कर रहा हो इसके बाद जैसे ही हारिस ने दूसरे भाई के सर को कलम किया और उसके जिस्म को भी दरिया में फेंका है दोनों के लाशें बहते हुए चले गए इन्ना ला व इन्ना इलैहि राजिऊन